पहलवानी आखे मैं जित गया आज लोग भी हैरान बादशाह भी हैरान बादशाह ने आखे ना ना मेरे जुनैद का पांव फिसल गया है तेरा दोबारा कुश्ती कराई जाए दोबारा कुश्ती कराई गई सैयद फिर जुनैद सीने से बह गया तीसरी बार भी कुश्ती कराई गई जुनैद ने सैयद नु सीने से बिठा लिया बादशाह ने सैयद नु इनाम दे के तुरे जुनैद नु अपने महल के अंदर लेके आया बादशाह ने कहन लगा अज एडे पतले जे ते दुबले इंसान तू किवें हार गए जुनैद ने आख्या बादशाह मैं पहलवान कोई अजीद ते नहीं जेड़ा नबी दी आंत जुलम करा मैं पहलवान कोई शिमर ते नहीं जेड़ा नबी दे पुत्र दे सीने ते बह जावां जुनैद अपने घर आए अज नींद ना आवे अज मेरी लोगां दे सामने बड़ी जिल्लत हो गई बगदाद दी गली है एक सैयद दादा है बगदाद के करीब एक गांव है ते सैयदजादे उस गांव दे रहने वाले ते हर रोज बगदाद दी गली चाउंदे ने दिहाड़ी लगावण वास्ते ते दिहाड़ी नहीं लगदी अज तीन दिन गुजरे ते बच्चियां घर विच भुखियां इत्ते किस उस गरीब कोल पुछदी ते दिहाड़ी ना लगे गरीब शाम नूं जदों शर्मिंदा होके घर जांदा ते बच्चे बाबन इंज वेखदे ने जिवें सवाली सवाल करके सखी दे चेहरे वल वेखदे ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜਿਹਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਸੁਬਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਸੱਚੀ ਦੱਸ ਕੇ ਬਗਦਾਦ ਦੀ ਗਲੀ ਹੋਵੇ ਸੀਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਫਾਕਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖੀਆਂ ਆਉਣ ਸੈਯਦ ਅੱਜ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਬੇਟੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਪਰ ਦਿਹਾੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੀ ਮੀਆਂ ਬਾਬਰ ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਜੂ ਜੋ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾਵੇ ਸੈਯਦ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਡੁੱਬਦਾ ਹੀ ਜਾਵੇ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂ ਜੇ ਬੱਚੀਆਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ बादशाह बादशाह जुनैद ना मैं कुश्ती करांगा जुनैद सिर्फ पहलवान नहीं अपने जमाने दा रुस्तम है बादशाह अपने तख्त ते नाल बिठांदा है बादशाह दा मसाहब है जिन्नू सिफारिश करदा उन्नू वजीर बनवा दिंदा है जुनैद इतना ताकतवर है कि लोगों की हसलियां हड्डियां पसलियां तोड़ देता है ईरान इराक शाम उर्दन विच कोई पहलवान उसका मुकाबले वास्ते नहीं आता क्योंकि हड्डियां तोड़ देता है दुबला पतला सैयद बादशाह के सामने खलो के आख्या ए बादशाह दरा जुनैद नु उतार नीचे तख्त उते दे नाल मैं कुश्ती करनी है बादशाह ने वेख्या दुबला पतला जा उन्हें आख्या तू घर जा ए जुनैद बड़े बड़े पहलवान दे सामने टिकदे नहीं हड्डियां पसलियां तोड़ देंदे सैयदादा बादशाह नु कहन लगा बादशाह सियाने कहंदे ने कि तगड़ा वेख के डरिए ना ते माड़ा वेख के लड़िए ना तो मेरा जिस्म वेख के ना कहे मैदान ते जिस्म नहीं लड़दे दिल ते हौसले लड़दे ने तेनु अपने पहलवान ते इतना मान ते लिया ना इनु जरा अखाड़े ते लिया फैसला ते अखाड़ा करेगा ना जुनैद नबी जलाल आ गया ते बादशाह नबी ने आख्या हुण ही अखाड़ा सजाओ ऐलान करा दियो पूरे बगदाद विच कि अज शाही कुश्ती होवेगी
सारा शहर उमड़ के आ गया। अखाड़े शाही अखाड़े च कौन है जेड़ा जुनैद का मुकाबला करेगा? लोग आके खलोगे। जुनैद पहलवान जेड़े वेले कुश्ती वास्ते तैयार होके ते लंगोटा करके आए ना, ते लोगों दी निगाहां उन्हों पियां ढूंढदियां जेड़ा जुनैद का मुकाबला करेगा। सैयदजादा जदों लंगोटा करके ते आया ना, ते लोग हस पे। उन्हें आख्या आ दुबला पतला जा इंसान ते कमजोर इंसान, ये जुनैद ना कुश्ती करेगा? आज ते कुश्ती एक सेकंड च खत्म हो जानी, ते दो मिनट च बस जुनैद ने ते एदियां हड्डियां पसलियां तोड़ के रख देनियां। आज कुश्ती बड़ी जल्दी खत्म हो जानी। बादशाह तख्त पे छा के सामने बैठ गया। जुनैद पहलवान दी जदों कुश्ती दा वेला आया ना, महसूस होया कि ए बहुत ताकतवर है ते मैं बहुत कमजोर हां। जुनैद दे सिर जकन दे अंदर जाके ते सैयदजादे ने एक गल कीती, ओदे कान नाल लब लगा के कहन लगे, मैं पहलवान नहीं, मैं नबी दी औलाद, मैं नबी दा खून, मैं सैयदजादा वां। अज तिन दिन गुजरे, मेरियां बेटियां खादा कुछ नहीं। जुनैद रोज कुश्तियां जितना है, जे अज कदे हार जाए तेरा जाना कुछ नहीं, मेरा कम बन जाना। नौजवान जुनैद ने सुनिया सैयदजादा है, जुनैद ने सैयद नू चुके सीने ते बिठा लिया। पहलवान ने आख्या, मैं जित गया जे लोग भी हैरान, बादशाह भी हैरान। बादशाह ने आख्या, ना ना मेरे जुनैद का पांव फिसल गया है, तेरा दोबारा कुश्ती कराई जाए। दोबारा कुश्ती कराई गई, सैयद फिर जुनैद सीने ते बह गया। तीसरी बार भी कुश्ती कराई गई, जुनैद ने सैयद नू सीने ते बिठा लिया। बादशाह ने सैयद नू इनाम दे के टुरे, जुनैद नू अपने महल दे अंदर लेके आया। बादशाह ने कहन लगा, अज एडे पतले जे ते दुबले इंसान तू किवें हार गए? जुनैद ने आख्या, बादशाह मैं पहलवान, कोई अजीद ते नहीं जेड़ा नबी दी आं ते जुलम कराओ। मैं पहलवान कोई शिमर ते नहीं जेड़ा नबी दे पुत्र दे सीने ते बह जावा। जुनैद अपने घर आए, अज नींद ना आवे, अज मेरी लोगों के सामने बड़ी जिल्लत हो गई, मैं अज हार के आ गया। सारे बगदाद विच लोग गल्लां पे कर देने, अज जुनैद हार गया। रोंदिया रोंदिया जुनैद दी अख लग गई, नबी करीम ख्वाब दे अंदर आ गए। मेरे आका ने फरमाया, जुनैद मैं कयामत नू तेरी इंज लाज रखनी है जिवें तू मेरे पुत्र दी लाज रखी है। नदी पर वाले हो गौसे पाक सारे पीरां दे पीर ने, जुनैद बगदादी गौस पाक दे पीरां दे भी पीर ने। क्या बात है, क्या बात है! नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। दोनों हाथ उठा के नारे हैदरी, अभी भी हाथ नीचे है, कूच पड़ जाए। नारे हैदरी, नारे हैदरी, रूह और कल्ब की ये प्यास बुझा देती है, रूह और कल्ब की ये प्यास बुझा देती है। फातिमा जहरा के बच्चों से मोहब्बत कर लो, ये वफादार को अब्बास बना देती। नारे हैदरी, हुण बोलो सुभान अल्लाह। जेड़ा प्यार करे नबी दे पुत्रां नाल, गौस पाक सारे पीरां दे पीर ने, सिलसिला कादरिया दा पढ़ के वेख लो शजरा। जुनैद बगदादी गौस पाक दे पीरां दे पीरां दे भी पीर ने, पता लग गया उन्हां नूं मर्तबे मिलदे जिहड़े नबी दी आल नाल प्यार करदे ने। इल्लल मवद्दत फिल कुरबा, इल्लल मवद्दत फिल कुरबा, जिहड़ा प्यार करे नबी दी आल नाल। इंज करके पढ़ लैने आ, मौला अली दी जान ते जहरा दनूरे, मौला अली दी जान दे जहरा दनूरे, मौला अली दी जान दे जहरा दनूरे, लखा दुरूद ते सलाम।
दे हुसैन लखा दुरूद दे सलाम आप दे हुसैन। नमाज च की पढ़ने अल्लाहुम्म सल्ले अला मुहम्मद वाला आले मुहम्मद ते आले मुहम्मद कौन है हुसैन ते सच्ची दस जे हुसैन ते नमाज च दुरूद ते सलाम ना पढ़े तेरी नमाज मुकम्मल नहीं होंदी ते हुसैन दे जिक्र ते उदे ते दुरूद बगैर तेरी मेरी महफिल किवें मुकम्मल हो सकदी है। लखां दुरूद ते सलाम आप ते हुसैन जी जी मैं सुना के जावांगा जे ते मैं शुरू होया सुभान अल्लाह उच्चा बोलो सुभान अल्लाह लो भाई इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला नु दोशे मुस्तफा ते पलन वाले जदो आए ना मैदान करबला विच तो बारो बारी सारे टुर गए। इमाम अली मुकाम ने जदो सारे नु टोरिया ना ते हुण अपने दी वारी आई ते शहजादा अली अकबर 18 साल दा पुत्र मेरे इमाम दे खामे च आया। इमाम अली मुकाम ने वेख के फरमाया शहजादे बेटा किधर आयो अली अकबर जिन्होंने मदीने दे लोग अकबर नहीं सर कहते मदीने दे लोग उन्हें शबीह मुस्तफा कहते सूरत नबी नाल इतनी मिलती के लोग उन्हें शबीह मुस्तफा ते तस्वीर मुस्तफा कहते कुरान दा एडा सोहना कारी कि जब दादी दे हुजरे च बैठ के कुरान पढ़ता है तो उदी तिलावत सुनने वाले दे मदीने दी गलियां च मेले लग जाते हैं। ओ इमामे अली मुकाम दा लाल जब दस्तार बन के थे दादी दे हुजरे चो निकलता है तो वेखन वाले नूं इंज लगता जिवें मक्के दी पहाड़ियां चो आमिना दा चन्न पिया चढ़दा है। शहजादा अली कब्र खैमे च आए थे अर्ज की बाबा जान मैं 18 साल दा हो गया सीने ला के मत्था चुम के फरमाया माशाल्लाह बेटा अल्लाह नजरे बातों महफूज रखे। अर्ज की थी अबू जी मैं कदे कुछ मंगिया ते नहीं तुसी हुण माफ़ ते आयो ते पुत्रां दे मुँह चुम के आयो ते जाके भी चुमोगे अल्लाह सारे दे नसीबा च करे पर तुहाडे ते मेरे पुत्र भी लड़ ले ने पर किसे दे एडे लड़ ले ते नहीं जितने हुसैन दे लड़ ले सन। ओ साडे एडे सोहणे ते नहीं जितने हुसैन दे सोहणे सन उते शहजादे सन मदीने दे उते कायनात दे शहजादे साडा बच्चा साडे कोल फरमाइश करे ते असीं घर नहीं जांदे उस वक्त तक जब तक बच्चे दी फरमाइश पूरी ना हो जाए। शहजादे अर्ज की अबू जी मैं कदे कुछ मंगिया तो नहीं मेरे इमाम ने पिछले 18 साल वाल छाती मार के वेखिया तो ख्याल आया इतने बड़ा लाड़ लेते इन्हें वाकई कदे कुछ मंगिया ही नहीं पकड़ के मत्था चुम के सीने लगा के फरमाया पुत्र तू कदे मंग के वेख दे सही तेरा बाबा सारी कायनात तेरी जुल्फ दे कुंडल तो वार दे। शहजादे अर्ज की बाबा मैं कुछ नहीं लैन आया बस मैं करबला जावां दी इजाजत लैन आया मैं दीपुर वाले मैं किताबा च पढ़िया कि करबला के मैदान चो दो मौके आए जो इमाम हुसैन गश खा के जमीन ते तशरीफ ले गए। पहला मौका उदू जो हजरत इमाम अली अकबर इजाजत लेना तो दूसरा मौका जो जो इमाम हसन का पुत्र हजरत इमाम कासिम इजाजत लेना अकबर ने जो करबला जावन की इजाजत मंगी तो मेरे इमाम गश खा के जमीन ते तशरीफ ले आए बाप की कदम चुम चुम के पुत्र ने जगाया करीब बिठा के फरमा तू अजे बाप नहीं ना बनिया तेनों नहीं पता पुत्रां दे बारे बाप दे जज्बे की होंदे फरमाया पुत्रा सारे जग का कानून है कि पुत्र प्यो दे जनाजे चुकदे ने पर जे कदे बाप नूं पुत्र दा जनाजा चुकना पै जाए ना बाप जुंदा ही मर जांदा है। फरमाया अकबर मैं सारियां दियां मैयतां उठा के लै आया मेरे को तेरी लाश नहीं चुकी जानी मैं दीपुर वाले जेडे दरख्त नूं 18 साल पानी दिता होवे ना ओ दरख्त कटण नूं जी नहीं करदा ते जेडे अकबर नूं 18 साल पालिया होवे मेरे इमाम सीने लगा के रोई जा रहे फरमा अकबर मैं तेनूं नहीं जाण देना। अकबर ने हाथ जोड़ के अर्ज की बाबा कल नो दुनिया दारा खड़गे हुसैन ने करबला च लोगों के पुत्र मरवा दिते थे अपने सीने न लगाई रखे। अर्ज की बाबा जान कयामत में जदों शहजादे कासिम ने अपनी टूटिया पसलियां नाने नु बखानियां
असगर ने हलक दा तीर वखाना है, अब्बास ने बजू कटे वखाने ने, औनो मुहम्मद ने लुटियां जवानियां, ज़ैनुल आबिदीन ने बेड़ियां वखानियां, मैं की वखावांगा। शहजादे ने बार बार इतनी जिद की थी कि मेरे इमाम ने फरमाया मैं तो इजाजत नहीं देनी, हाँ जे इजाजत लेनी है ना ते आओ तेरी फोटो ज़ैनब दा खैमा, जा ज़ैनब को इजाजत ले लो, ओ दिन दी ते मां भी दे देवांगा। क्योंकि शहजाद अली अकबर जो मां दे गोद चाहे ना, सैयदा ज़ैनब आके ते वीर को आख्या वीरा जो भतीजी आवा ते बहना बुबे ते मुबारक दे ना, ते भाई बहना नु खाली नहीं भेजे, मैं भी तेनों अपने पुत्र दी मुबारक देना आई हां, मेनू भी कुछ दे। ते इमाम हुसैन ने फरमाया ज़ैनब की मंगनी है, ते सैयदा ज़ैनब ने अर्ज की वीरा जे कुछ देना ही ते मेनू अपना पुत्र अली अकबर ही दे दे। इमाम अली मुकाम ने अकबर नु उठा के ते ज़ैनब दी गोच रखिया, फरमा पुत्र ते मेरा पर पालिया तेनू ज़ैनब ने, जा जे ज़ैनब इजाजत दे दिया मैं भी दे देवांगा। पता सी ना कि ज़ैनब दी ते जान है अली अकबर च, उन्हां ते नहीं जान देंगा। नौजवानों शहजाद अली अकबर टुरे टुरे हजरत सैयदा ज़ैनब दे खैमे जाए, ज़ैनब ने दो निकियां निकियां लाशां रखियां, कदे औन दा मुंह चुमदी ते कदे मुहम्मद दा मुंह चुमदी। सैयदा ज़ैनब रो के कहंदी वे उठो जांदी वारी मां कह जाओ, उठो जांदी वारी मां दे सीने नाल लग जाओ। नौजवान सैयदा ज़ैनब पुत्रां दे मत्थे चुम के रो रहीआं, इधर शहजादा अली अकबर खैमे दे अंदर आ गए, सैयदा ज़ैनब ने उठ के मत्थे चुमिआ, फरमादीआं वे अकबर किधर आया है, अर्द कीती फुफी अम्मां सखियां दी दोतरीआं ने सखियां दी बेटीआं, आप ही सखिया है सखियां दी भैण है, तेरे दरवाजे तू कदे कोई सवाली खाली नहीं गया, अर्द की दी फुफी अम्मा तेरे दरवाजे दा सवाली बन के आया। सैयदा दा ना पड़ के सीने ला ले आओ, फरमादियां अकबर पानी ना मंगी जे पुप्पो कोल पानी कोई नहीं, खाना ना मंगी अज ज़ैनब कोल खाना कोई नहीं, वे जान मंगेगा दे देवांगी। अकबर ने हाथ जोड़ के अर्द की दी फुफी अम्मा मैं जान लैन नहीं आया, मैं ते जान दे इजाजत लैन आया। सैयदा ज़ैनब कश खाओ के जमीन ते डिग पईआ, इमाम अली मुकाम खैमे दे अंदर आ गए, अली अकबर ने कदम चुम चुम के फुफन जगाया, सैयदा ज़ैनब उठ के सीन नाल लाया, फरमा दिया अकबर जान दिया गल्ला ना करी जे फुफो मर जाएगी, तेनु वेखनिया नाना याद आए तेनु वेखनिया पुत्र भूल जाते ने, अकबर मैं तेनू नहीं जान देना। अकबर खैमे दी नौकर जे बह के रोन लग पे, करी बैठ के परमा दिया फुफो दिए जाने रोना क्यों है, अर्ज की दी फुफी अम्मा तुसी ते कहदियां सो अकबर मैनू पुत्रां नालों प्यारा है, अपने पुत्रां नू जा मैं शहादत नोश करा ले, जे मैं पुत्रां नालों भी प्यारा वा फुफो जान मैनू भी शहीद हो लैण दिओ। सैयदा ज़ैनब ने सीने नाल लाया, सीने लगा के परमा दी रो ना, जे मैनू पुत्रां नालों भी प्यारा है तेरे दुध मैं पुत्र वार देवा, जावे अकबर पुत्रा मैं तेनू भी इजाजत देने आओ। हजरत इमाम हुसैन खैमे दे अंदर ले आए, अपने पुत्र नू धूला करबला ते हूरां दा बनाया, अज सवेरे मावां पुत्रां नू स्कूल लई तैयार करदियां ने, ते मावां तैयार करके कहदियां ने जाओ जाके अप्पू नू वखा के आओ, जाओ जाके दादी नू वखा के आओ, मेरे इमाम ने पुत्र नू मौत लई तैयार कीता, फरमाया जा एक बार पुत्र आओ जा के दराए अपनी अम्मी नू वखा के आओ। शहजादा अली अकबर अपनी माँ उम्मे लैला दे खैमे दे अंदर आए, सैयदा ज़ैनब ने उठ के मत्था चुम के फरमाया अकबर पुत्रा किधर आया है, अर्ज की थी अम्मी जान बोलिया चलिया माफ करे आजे, अम्मी तेरा अकबर ठुर चलिया है, अज पुत्र सवेरे कम ते जान स्कूल जान, मामा कह दिया वे खरी जाए खरी आवे, मामा कह दिया या ला मेरे पुत्र नु लंबी हयाती अता कर दे, मामा कह दिया रब्बा जांदियां दी कंड वखाई आओ आउंदियां दे चेहरे वखा देवी, मामा पुत्रां नु टोर दिया सदके दे के भेज दिया, बस मामा दा हौसला वेख केड़ियां पुत्रां नु टोर दियां ने,
जिंदगी दिया दुआवां भी नहीं देंदियां। मां ने सीने नाल लाया कह लगी अकबर ठुर चलिया अज मां दी लाज रख के आना है। अर्द की दी अम्मा लाज क्यों रखनी है। फरमा दिया पास बाजू कटे गए उन्हें अपनी माए मुल बनी दी लाज रखी आओ। कासिम दिया पसलियां टूट गई आओ उन्हें अपनी माए में फरमा दी लाज रखी आओ। ओनो मोहम्मद ने अपनी माँ ज़ैनब दी लाज रखी आओ। निके जे असगर ने अपनी माए में रबाब दी लाज रखी आओ। ओ भी अली दे लाल ने तू भी अली दा लाल ने अपनी माँ दी लाज रख के आना है। अर्द की दी अम्मा लाजां किवें रखी दिया उन्हें। फरमा दिया एक पर पुत्रा अब्बा दे बाजू कटे गए उन्हें जांदी वारी हाय नहीं की थी। कासिम दिया पसलियां टूट गईयां उदी लाज दे घोड़े दौड़ गए उन्हें हाय नहीं की थी। असगर दे हलके च तीर लगे आए उन्हें हाय नहीं की थी। अकबर जदू तीर वजे हाय नौकरी वे मेरी लाज रख के आना है। जदू तेरी लाज खैमे च आवे एक भी तीर कंड ते ना आवे सारे सीने ते खा के आने नी। अकबर ने मानो जफ मारे आए अर्द की दी अम्मा तेरी इंज लाज रख के आवांगा कयामत तक पुत्र मेरे ते नाद करनगे मामा तेरे ते नाद करनगे नाद ते नाद ते नाद अम्मा मैं तेरी इंज लाज रख के मैं सारी कायनात दे जज्बे ममता तो कुर्बान कर देवां। उन्हें मामा दे हौसले वेख जिन्हें ममता ही मुहम्मद तो कुर्बान कर दी। मैं तो तुसी घरों टुरिए ते मामा कह दिया खैरी जावे ते खैरी जावे और मामा पुत्रा नु टोर दिया ते ए भी नहीं कह दिया खैरी जावे ते खैरी जावे। उन्हें जिंदगी की किताब भी बंद कर दी। शहजादा अली अकबर ने मां तो इजाजत ले फुफो नु मिले अपने वीर ज़ैनुल आबिदीन नु मिले एक एक करके सारे नु मिलके जद टुरन लगे ना इमाम ने पुत्र घोड़ी ते बिठाया। जेडे मेरे ते तो हाड़े तो अगली उम्र दे बुजुर्ग ने ना पुछो जद दूल्हा बन के पुत्र घोड़ियां ते बैठते सन ना ते मावां ते खाला ते फुफियां ते बहना शगना दे गाने बन दियां सन। ओ मावां ते बहना टोर दियां ते शगना दे गाने नहीं शहादत दे गाने बन दियां ते आखे जावे पुत्र लाज रख के आ। इमाम ने घोड़े ते बिठा के फरमाया अकबर याद रखी तू हाशमी है ते अली दा पुत्र है। असी जेडे हाशमी होने ना पुत्र जे दू मैदान जंग च उतर जाइए ना ते या सी जंग जीत के आने आ ते ये शहीद हो के आने आ। असी कदे मुड़ वापस नहीं आए ते पुत्र मुड़ के वापस ना आवे। शहजादे ने अर्ज की बाबा जी अज तुसी मेरा मैदान च जाना वेखो ते बाबा जी फिर आना भी वेखे आ। शहजादा अली अकबर जड़े वेले खैमे तो बाहर आए ना ते इब्ने साद ने अखे नु तीर मारो कोई तीर ही ना उठा। उन्हें फिर आखे तीर मारो कोई यजीदी तीर ना उठावे। उन्हें तीसरी मरतबा आखे तीर मारो किसे यजीदी अपनी कमान भी ना उठाई। ते इब्ने साद कह लगा मार दे क्यों ने ते सारे यजीदी फौजी बोल के कह लगे लांतियां दो गड़ियां ठहर जा मुहम्मद दी तस्वीर ते वेख लैण दे। ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਨਬੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨਜ਼ਰ ਆਲੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜਦ ਜ਼ਾਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ ਕਰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਧਰ ਅਲੀ ਦੇ ਲਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਜਾਰੀ ਗਰਦਨਾਂ ਉੜਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਯਜ਼ੀਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੰਜ ਉੜਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦਰਖਤ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਿਜ਼ਾਂ ਚੜ ਦੇਣੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਿਲ ਦਾ ਜਰਮੂਲੀ ਫਸਲ ਵਾਂਗ ਯਜ਼ੀਦੀਆਂ ਹੁਣ ਕੱਟਦੀ ਲੱਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਖੈਮੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਾਂ ਪਰਦੇ 'ਚ ਵੇਖਦੀ इमाम फरमाद ने वाया पुत्रा बड़ा सोना प्या लड़ना है। इब्ने साद शिमन पूछे कौन है कह लगा अली दा पुत्र है हुसैन दा पुत्र है इदा नाम अली अकबर है। इब्ने साद लबां चो निकल गया कह लगा मनना पवेगा शेरां दे पुत्र शेर ही हुंदे अज
ਨਵੀਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਂਗੇ ਪੈ ਲੜਦੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹਾਦਾ ਅਕਬਰ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਕਈ ਸੈਂਕੜੇ ਯਜ਼ੀਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਸਲੇ ਜਹੰਨਮ ਕੀਤਾ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਅਕਬਰ ਖੈਮੇ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਕਬਰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾ ਅਕਬਰ ਖੈਮੇ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਇਮਾਮ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਅਕਬਰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾ ਅਕਬਰ ਨੇ ਆਖੇ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਮਾਰਿਆ ਅਰਦ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਈ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਗੁੱਟ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਆਜਾ ਵਾਦਾ ਕਰਨਾ ਯਜ਼ੀਦੀ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਕਬਰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਜਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੂਸ ਲੈ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਚੂਸ ਲੈ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਅਕਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੂਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਏ ਜਮਦ ਆਇਆ ਜਿਵੇਂ ਹੌਜ਼ੇ ਕੌਸਰ ਦੇ ਜਾਮ ਪੀ ਲਏ ਅਕਬਰ ਨੇ ਦਾਦਾ ਦਮੇ ਹੋ ਕੇ ਯਜ਼ੀਦੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਇੰਜ ਰੇਤ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਉੱਠਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਵੇ ਮਾਂ ਮੇਲਾ ਲਦਕ ਲੈ ਜਾ ਕੰਬ ਗਿਆ ਅੰਮੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਲਜਪਾਲਾ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਮੇਰਾ ਅਕਬਰ ਕਿਧਰ ਗਿਆ ਹੈ ਇਮਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾ ਬੀਬੀ ਹੌਸਲਾ ਕਰ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿੱਧਰ ਯਜ਼ੀਦੀ ਪੈ ਦੌੜ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਲਗਾ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਇਬਨ ਸਾਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਦੂਰ ਤੋਂ ਨੇਜ਼ਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦੇ ਦਾ ਲਈ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਮੁਖਾਂ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਦਿਲ ਤੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕਮਰ ਚ ਪਾਰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਧੇਰਾ ਛਾ ਗਿਆ ਖੈਮੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਧ ਵਿਕਣੀ ਆ ਅਬਦਾ ਅਬੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੜ ਵੇਲੇ ਇਮਾਮ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਚ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਿਆ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਅਕਬਰ ਬਾਪ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਛੱਡਿਆ ਨਾਲੇ ਕਰਬਲਾ ਵੱਲ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਦੀਆਂ ਥੋੜਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਫਰਮਾਨ ਨੇ ਅਕਬਰ ਪੁੱਤਰਾ ਅਜੇ ਜਾਈ ਨਾ ਤੇਰਾ ਬਾਬਾ ਫੇ ਆਉਂਦਾ ਆਈ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਕਦੇ ਤਾਂ ਦੌੜਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਪਾਏ ਦੌੜਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪੁੱਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਤੜਪਦਾ ਹੁਸੈਨ ਤਾਂ ਪਿਓ ਕਿਉਂ ਦੌੜਦੇ ਹੋ ਫਰਮਾਇਆ ਜ਼ਾਲਮੋ ਪੁੱਤਰ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਨੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਟੁਰ ਜਾ ਅੱਖਾਂ ਨਬੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਕਬਰ ਪੁੱਤਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਅਕਬਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੌੜਿਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਲ ਦੌੜੇ ਜਾ ਕੇ ਅਕਬਰ ਦਾ ਸਿਰ ਉਠਾ ਕੇ ਗੋਦੀ ਚ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਚ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਰੇਂਦ ਸਾਫ ਕੀਤੀ ਅਰਦ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਜ਼ਰਾ ਸੀਨੇ ਚ ਨੇਜ਼ਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਯਜ਼ੀਦੀ ਜਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸੀਨੇ ਚ ਨੇਜ਼ਾ ਖਿੱਚਿਆ ਅਕਬਰ ਦੇ ਸੀਨੇ ਚ ਖੂਨ ਦਾ ਫਵਾਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਖਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਆਖਰੀ ਹਿਚਕੀ ਅਕਬਰ ਨੇ ਲਈ ਅਰਦ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਸੀਨੇ ਲਾਇਆ ਜੇ ਤੇਰੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਲਾ ਲਿਆ ਅਕਬਰ ਏਡੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਰਹੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਕਬਰ ਕਿਉਂ ਰੋਣਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਜ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅਰਦ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮੀ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਖੈਮੇ ਚ ਲੈ ਚੱਲਾਂ ਫੁੱਫੋ ਵੀ ਉਡੀਕਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਅਰਦ ਕੀਤੀ ਫੁੱਫੋ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਫਰਮਾਇਆ ਸਕੀਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆਈ ਅਰਦ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਫਰਮਾਇਆ ਅਕਬਰ ਰੋਣਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਕਬਰ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫਾ ਮਾਰਿਆ ਅਰਜ ਕੀਤੀ ਰੋਣਾ ਮੇਰਾ ਅਬੂ ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੇ ਲੋਕੋ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੇ ਅਕਬਰ ਨੇ ਆਖਰੀ ਹਿਚਕੀ ਲਈ ਅਕਬਰ ਦੀ ਰੂਹ ਨੇ ਪਰਵਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਆਪ ਸਮਾਨ ਬਲਵੇ ਕੇ ਰੋ ਕੇ ਫਰਮਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿਲ ਭਰ ਰਾਧੀ ਤੇ ਸੁਖਿਆ ਨਾ ਥੀ ਬਾਰੇ ਦੁੱਖ ਕਬੂਲ ਮੁਹੰਮਦ ਬਸਿਆ ਇਰਾਦੀ ਰਹਿਣ ਪਿਆਰੇ ਅਕਬਰ
दी लाश न चुके मेरे माओ ने खेमे च रखे आ माओ ने आके पुत्र दा मथा जमे आ फरमा दिए लैवे पुत्रा हवाले रब दे तेरा दी तेरे दे होई बिग दरबार नबी सरवर दे अज लाज मेरी रखियो होई पुत्र दे सीने ते लेट गईयां बीबी सकीना आके वीर नाल प्यार कर दिए मेरे इमाम उठ के खड़े हो के मदीने वल मुंह कीता आख्या बेशक पुत्र ठंडे अखियां दी के घर विच करन उजाला पर इना नालों के मैनो ओ कालिया जुल्फा वाला एडे लाल मेरे इमाम ने करबला दे मैदान च अपने नाने तो वार के रख देते ते आख्या नाना तू मेरे तू एक पुत्र कुर्बान किया वेख मैं तेरे तू सारे पुत्र ही कुर्बान कर दूं याद जे फिर सैयदा सुहरा दा खत आया ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਫਿਰ ਕਦੇ ਅਰਦ ਕਰਾਂਗਾ ਬਸ ਖਤ ਪੜਿਆ ਤੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸਕੀਨਾ ਆਪ ਵੀਰਾਂ ਚ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਬਾਜੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਕੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜੇ ਮੇਰਾ ਅਸਗਰ ਦਾ ਜੂਲਾ ਜੁਲਾਵਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਨੀਚੇ ਲਿਖਿਆ ਫੁੱਫੂ ਜ਼ੈਨਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਵਸਦੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਅਕਬਰ ਨਾਲ ਵਸਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਨੀਚੇ ਲਿਖਿਆ ਅਕਬਰ ਵੀਰਾ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਮਦੀਨੇ ਵੱਡੀ ਹਿਦਾਈ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇਸੀ ਵੀਰ ਮਦੀਨੇ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅਕਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਬਾ ਹੁਸੈਨ ਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲੈ ਚੱਲਿਆ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਉਹ ਖੱਤ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਠ ਪਰਦੇ ਸਨ ਬਹਿਨ ਦੇ ਵੀਰਾ ਤੈਨੂੰ ਭੈਣ ਮਦੀਨੇ ਯਾਦ ਪਈ ਕਰਦੀ ਤੇ ਖੱਤ ਤੇ ਨੀਚੇ ਲਿਖਿਆ ਬਾਬਾ ਹੁਸੈਨ नानी उमे सलमा फरमादियां मुड़ मदीने आ जो नाना याद पे कर दे लाश तड़प गई अकबर दी जदों सकीना ते सैयदा सुगरा दा खत आया मेरी मिल्लत दे नौजवानो इधर लाश तड़पी उधर सैयदा सुगरा मदीने उड़ीकन कर दी कदे कदे रात नु नाना मुस्तफा दी कब्र ते आंदियां ने अपने नानी उमे सलमा दे नाल ते रोके फरमादियां ने सब परदेसी वतनी आए ते तू भी अकबर मोड़ मुहारा तू भी अकबर मोड़ मुहारा ਗ੍ਰਾਮੀ ਕਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਫਰਮਾਦੀਆ ਨਾ ਅਸਗਰ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਅਕਬਰ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਆਈ ਭੈਣ ਸਕੀਨਾ ਵੀਰਾਂ ਬਾਜ ਸੁੰਜਾ ਲੱਗਦਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨਾ ਗ੍ਰਾਮੀ ਕਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਚ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਦੀਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀਨ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਅਲੀ ਮੁਕਾਮ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਦੀਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ ਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਪਨੋਂ ਬਰਕਤ ਤੇ ਅਜ਼ੀਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਇਹ ਸਾਦਾਤ ਕਿਰਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਗਾਉਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸ ਬਰਕ ਹੁੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਰੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ